माई डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल unicstudy.com एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर एडबिया. ओके, एंड दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय द सिंगुन श्रीवास्तव. एंड इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर एडबिया जो है, इस चैप्टर में क्या कहा गया है और इस चैप्टर में जो है क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं और क्यों ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो चलिए इसी के साथ जो है शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करते हैं कैसे जो है इसको समझना है. तो लेट्स स्टार्ट. कैन लैंग्वेज क्रिएट बैरिज? इज इट फेयर टू जज पीपुल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस? रीड द स्टोरी बाय द सिंगुन श्रीवास्तव अबाउट हाउ ए फैमिली रिस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेंजर्स. ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो भाषा होती है वो एक बंधन पैदा करती है और क्या जो है फेयर्स टू जज पीपुल बेस्ड ऑन, यानी कि किसी भी आदमी को देख करके जो है जज किया जाता है. इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसे लिखने वाले को है ना सिंगुन श्रीवास्तव है, जो क्या है हाउ ए फैमिली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंजर, किस तरह से एक फैमिली जो है इसमें लिखा क्या गया है कि बताते हैं कि किस तरह एक फैमिली जो है जो स्ट्रेंजर रहते हैं उनसे किस तरह से जो है उनका बिहेवियर रहता है, कैसा रिस्पॉन्स वो सब देते हैं. तो देखते हैं एक एक पैराग्राफ को समझते हैं. तन्वी सेज फॉरगॉट इट पूजा बट आई कांट फॉरगेट इट. द मेमोरी ऑफ द टू मैंस हिटिंग द कार विंडो रैटलिंग द डोर शाउटिंग एडबिया स्टील हंट्स मी. अब यहाँ पर कह रहे हैं तन्वी क्या कहती है, तन्वी कहती है भूल जाओ पूजा, भूल जाओ. और फिर कहती है लेकिन मैं नहीं भूल सकती. कौन कहता है? तन्वी कहती है, ये कनम पूजा कहती है मैं नहीं भूल सकती उन यादों को जो उन दो लोगों को नहीं भूल सकती है जो क्या कर रहे थे कार के विंडो पे जो है हिटिंग कर रहे थे, यानी कि पीट रहे थे, मार रहे थे. रैटलिंग द डोर और दरवाजे पे जो है क्या कर रहे थे, रैटलिंग कर रहे थे, तेज से रैटलिंग कर रहे थे, आवाज़ आती है ना, रैटलिंग कर रहे थे. एंड शाउटिंग मीन्स चिल्ला रहे थे. क्या चिल्ला रहे थे? एडबिया करके चिल्ला रहे थे. स्टील हंट्स मीन जबकि मैं क्या थी, हंस थी, यानी कि उनका शिकार हो रही थी. आई हैडन्ट डिसाइड वेदर आई लाइक अफगानिस्तान और नॉट. मैंने नहीं कभी निर्णय किया था कि मुझे जो है अफगानिस्तान पसंद है या नहीं. ठीक है, आई न्यू माई फादर डिड दो ही हैड बीन हेयर फॉर ओनली 4 मंथ्स. जबकि उसे ये पता था कि उसके पिताजी 4 महीनों से यहीं पे हैं और काम कर रहे हैं. ठीक है, किस रूप में काम कर रहे हैं? एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं. कहाँ पर काम कर रहे हैं? द खानाबाद में काम कर रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट. किस पे? इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब कि जो सिंचाई होता है. ठीक है, सिंचाई विभाग से संबंधित वो काम कर रहे हैं. अब आगे कह रहे हैं जो माई ब्रदर And I had stayed back in Delhi with my uncle and aunt. We had come to spend our holiday with my parents in a small town of Kunduz, not far from the Russian border. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं और मेरा भाई, ठीक है, कहाँ पर रहते थे? Back इन द तेलही विथ माई अंकल. मैं और मेरा भाई जो है अपने अंकल और आंट के साथ, यानी कि चाचा चाची के साथ जो है कहाँ पर रहते थे? दिल्ली में रहते थे. और वी हैड कम टू स्पेंड आवर हॉलीडे. हम यहाँ पर जो है क्या बिताने आए थे? हॉलीडे बिताने आए थे विथ माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ. कहाँ पर? एक छोटे से शहर कुंदुज में आए थे जो कि रशिया बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक ज़्यादा दूर नहीं था. ठीक है, वी हैड विजिटेड द हिस्टोरिकल प्लेस. हम लोग जो है कुछ ऐतिहासिक जगहों पे गए अभी बाग ओवर द वीकेंड. ओके, इस सप्ताह के आखिरी तक जो हम कुछ ऐतिहासिक जगहों पे गए थे. एंड वर ऑन आवर वे बैक व्हेन एवरी थिंग बिगन टू ऑपरेट मीन्स होता है मेक समवन फील अनकंफर्टेबल. ठीक है, अब जब वहाँ से वो लोग वापस आए थे तो उनको हर चीज़ जो है क्या दिख रहा था? ऑपरेस दिख रहा था, यानी कि अनकंफर्टेबल, यानी कि असहज दिख रहा था. द स्टिलनेस ऑफ द वाइल्ड रॉकी माउंटेन साइड बेयर ऑफ ए वेजिटेशन. अब यहाँ पर कह रहा है जो स्टिलनेस था, ठीक है, स्टिलनेस ऑफ द वाइल्ड रॉकी मतलब होता है चट्टानी.
जो जंगली चट्टानी थी और क्या थे माउंटेन साइड्स, पहाड़ियों के किनारे किनारे जो खुली हुई वहाँ पे क्या थे वेजिटेशन थे, यानी कि वनस्पतियाँ थे। द घोस्टली क्रेटर्स ऑफ रॉक एंड स्टोन फ्लैंकर्स द रोड। ओके, और जो क्या नाम है क्रेटर जानते हो, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी क्या करता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसमें से बहुत सारे जो है रॉक निकलते हैं, ठीक है, मैग्मा निकलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं। तो वही कह रहा है कि जो क्रेटर था वो घोस्टली क्या क्या था, रॉक एंड स्टोन, जो रॉक थे और स्टोन थे वो ऐसे क्या हुए थे, फ्रैंकलिंग हुए थे, यानी कि ऐसे मजबूती से ऐसे पड़े हुए थे किनारे, ठीक है, द रोड ऑन बोथ साइड, दोनों किनारे, ठीक है, दोनों किनारे, यानी कि ज्वालामुखी उसी समय नहीं फटा था, इसके पहले ही फटा था। तो उसकी जो स्टोन थे वो नहीं, ज्वालामुखी जब कहीं पे जाता है तो वो जम जाता है, एकदम चट्टान बन जाता है, तो वो चट्टान बन गया था और कुछ स्टोन भी थे वहाँ पर, ऐसे जो रास्ता था उस रास्ते के दोनों साइड में ऐसे बने बिखरे हुए थे। द डस्ट एंड द हीट, और उसी के साथ जो डस्ट था और हीट था वो सारे के सारे ऐसे बिखरे पड़े थे। आई फील्ड अनकम्फर्टेबल, मुझे कैसा महसूस हो रहा था, अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। आई लुक्ड एट माई ब्रदर सीटिंग नेक्स्ट टू मी इन द कार। अब ये किसको देख रही थी, अपने भाई को देख रही थी जो आगे की सीट पे, कार के आगे की सीट पे बैठा हुआ था। सडनली ही पुट इन टू वर्ड वाट आई हैड बीन थिंकिंग, अचानक से उसने जो है क्या किया, ही पुट इन टू वर्ड्स वाट आई हैड बीन थिंकिंग, उसने जो है कहा कि एक बात रखा कि मैं क्या सोच रहे हैं। लुक एट दिस साइड इज नॉट इट ए परफेक्ट हाइडिंग प्लेस फॉर डाकूज, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूजा थी कुछ सोच ही रही थी, तो उसकी सोच पे जो है उसने अपना एक स्टेटमेंट रखता है। स्टेटमेंट क्या रखता है, देखो एट दिस साइड, इन किनारों को देखो, क्या यहाँ पर जो है डाकू के छुपने के लिए परफेक्ट जगह नहीं है, बहुत बढ़िया से डाकू छुप सकते हैं। माई मदर स्टार्टेड एंड शॉट ए क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट माई फादर। अब मेरी जो माँ थी वो क्या कर रही, स्टार्टेड मीन्स लुक्ड अलार्म, वो एक अलार्म मतलब होता है अलार्म मतलब होता है इसे अलार्म मतलब तो वैसे जागरूक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है देखा जाता है माई मदर स्टार्टेड मतलब कि वो उग्र थी एंड शॉट ए क्वेश्चनिंग ग्लेंस एट माई फादर, और मेरे पिता की वो देख रही थी एक क्वेश्चन की तरह से, यानी कि वो देख तो रही थी लेकिन उनके साथ साथ जो लड़के ने उनके बेटे ने कहा था कि यहाँ डाकू के छुपने की बहुत बेहतरीन जगह है, इस क्वेश्चन को भी कर रही थी अपनी आंखों से। हु लव्ड सॉफ्टली, जो क्या कर रहे थे, आराम से हंसे, विदाउट टेकिंग हिज आइज ऑफ द रोड बिफोर हिम, ठीक है, यानी कि बिना अपनी नज़रें, यानी कि जो रोड था रोड से बिना अपनी नज़रें हटाए हुए वो सॉफ्टली हंसे ली। एंड ही सेड, और वो कहे क्या कहे, आई हैव नॉट बीन लॉन्ग इनफ इन अफगानिस्तान टू कमेंट ऑन दैट, मैं यहाँ पर लंबे समय से अफगानिस्तान में तो नहीं रह रहा हूँ जो मैं इस पर कुछ कह सकूँ, मतलब कि ये भी नहीं बता सकते थे कि जगह जो है डाकुओं के छिपने के लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। बट फ्रॉम वाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई कलेगियस एंड एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ, जब वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है अपने फ्रेंड्स से, अपने जो सहपाठी थे उनसे सुना है और अनुभव भी किया है, आई गैदर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान आर रेदर फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल, ठीक है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, एक फ्रेंडली है, यानी कि मित्रोत व्यवहार करते हैं, एंड हॉस्पिटेबल मतलब होता है वेलकमिंग एंड जेनरस टू विजिटर, यानी कि जो बाहर से आते हैं उनका ये वो लोग वेलकम भी करते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डाकू वगैरह लूटपाट करने वाला काम नहीं करते हैं जो अफगानी हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आई मेट हिज आइज इन रियर व्यू मिरर, मैं जो है क्या कर रही थी, मेट हिज आइज, उनकी आंखों से मिला रही थी, जो रियर व्यू मिरर था यानी कि कार की आगे शीशा लगा होता था उसमें वो देख रहे थे, देख करके बोल रहे थे, तो ये जो पूजा थी वो भी इसी मिरर में देख रही थी उनको, ठीक है। ही स्माइल एट मी एंड एडेड, वो मुझ पे हंसे यानी कि पूजा पे हंसे और कहे, ओ डोंट लुक सो फ्राइटनेड, ऐसा डरावना मत दिखो पूजा, वी विल सून बी एज ताश कुरंगन एंड फ्रॉम
देयर इज नॉट फॉर कुंदुज। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है कुंदुज में नहीं है, हम जल्दी कहाँ पे होंगे, ताज कुरंगन में होंगे, जो जो अब क्या है कुंदुज में नहीं होंगे। एंड टू चेंज आवर मूड ही सजेस्टेड, वो जैसा कि मेरा मूड बदलने के लिए कह रहे थे कि अब तुम कुंदुज में नहीं हो, अब तुम जो है ताज कुरंगन में हो। वाई डोंट यू ऑल सिंग इफ यू ओल्डीज फॉर मी, क्यों नहीं तुम सभी जो है मेरे लिए एक ओल्डीज, ओल्डीज मतलब होता है एक पुराना गीत, ठीक है, एक पुराना गीत तुम लोग मेरे लिए क्यों नहीं गाते। सो वी सेंग द ओल्डीज, तो हम सभी लोग मिलकर के, यानी कि जो पूजा थी, पूजा का भाई, उसकी माँ, उसके पिताजी, सभी लोग मिलकर के जो है एक ओल्डीज सॉन्ग गाने लगे। एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस, ठीक है, जितनी तेज वो लोग हमारी आवाज़ हो सकती थी उतनी तेज आवाज़ में वो लोग क्या करने लगे, गाने लगे। इन एन अटेम्प्ट टू ड्राइव द ब्लूज, ड्राइव टू ब्लूज अवे मीन्स हेयर टू चीयर आवर सेल्वेज, यानी कि वो गाते थे और अपने आप में भी इंजॉय करते, जैसे कोई संगीत गाता है तो गाते हुए क्या होता है कभी कभी उसी में मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो इसी तरह से ये लोग गा भी रहे थे और उसे पूरा इंजॉय भी कर रहे थे। द ब्लूज एंड द डाकूट्स, ठीक है, द ब्लूज एंड द डाकूट्स, अब यहाँ पर जो है वही चीज आ रहा है, ब्लूज एंड डाकूट्स, ओके, यानी कि अब यहाँ पर खुशी और डाकूज भी थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों को वो गा रहे थे। आफ्टर द नेक्स्ट बैंड, अगले मोड़ पर ही, अगली मोड़ के बाद, बिफोर द रोड बिगन टू राइज, अभी रोड शुरू ही होने वाला था, माई फादर स्लोड डाउन, मेरे पिताजी ने जो है कार को क्या कर दिया, स्लो कर लिया, एंड ब्रॉट द कार टू हॉल्ट ऑन राइट, ओके, हॉल्ट ऑन राइट मीन्स होता है, हॉल्ट मीन्स होता है पड़ाव, यानी कि वहीं पे वो रोक दिए, एक राइट की तरफ जो है कार को रोक दिए। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता की कोई बात नहीं, अश्योर्ड, उन्होंने हमें सांत्वना दी कि चिंता की कोई बात नहीं है। आई एम चेकिंग द रियर व्हील्स, मैं पीछे के जो पहिए हैं उनको चेक कर ले रहा हूँ। वी गॉट आवर आउट ऑफ द कार, ठीक है, हम लोग कार से बाहर निकल गए। वी ओपेंड ऑल द डोर्स टू लेट इन सम फ्रेश एयर, और हमने जो है कार के जो डोर थे उस डोर को ओपन कर दिए ताकि जो फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा हो वो क्या हो जाए, थोड़ा अंदर चला जाए। बट द एयर दैट इंटर्ड वॉज हॉट एंड ड्राई, लेकिन जो एयर कार के अंदर जा रही थी वो क्या थी, वो हॉट थी यानी कि गर्म थी, और ड्राई मतलब कि सूखी, शुष्क थी, ठीक है, होता है ना हवा में नमी भी होती है, तो हवा की में नमी होती है तो गर्मियों के समय में अगर हवा में नमी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, आनंदित आता है, लेकिन अगर ठंडियों में वही नमी आती है तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना, ठंड लगती है, वही चीज़ कह रहे हैं। माई मदर पिक्ड अप द फॉक्स एट हर फीट एंड आई वाइप्ड माई फॉरहेड विथ माई हैंडकरचीफ, अब यहाँ पर कह रही है कि मेरी माँ ने, ठीक है, मेरी माँ ने क्या लिया, वो पानी पीने के लिए होता है ना फॉक्स, जिसको सुराही कह सकते हैं या फिर जो थर्मस कह सकते हैं, आजकल थर्मस भी कहते हैं, ठीक है, उस थर्मस को उठाया एट हर फिट्स, ठीक है, पैर के पास से, एंड आई वाइप, और जो पूजा थी उसने अपने फॉरहेड यानी कि माथे को जो है अपने रुमाल से पोछा। आई विश्ड वी वर बैक एट कुंदुज, और वो ये मना रहे थे कि हम लोग जो है क्या कर जाए, वापस कुंदुज चले जाए, ठीक है, एंड आई कुड टेक ए लॉन्ग कूल बाथ, और वो चाहती थी कि वो कुंदुज पहुंच जाए, वहाँ पे जो है एक लंबी बाथ ले, बाथ मतलब कि वो वहाँ पर देर तक नहाए। डू यू वॉन्ट टू सम वाटर पूजा, तो उसकी माँ जो है कहती है क्या तुम्हें पानी चाहिए पूजा, पानी पूछती है उसकी माँ, और यहाँ पर आई नोडेड एंड एक्सटेंडेड माई हैंड, ओके, यहाँ पर वो अपना सर हिलाती है और अपने हैंड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। वाइल माई आइज ट्रेवल पास्ट हर, ठीक है, जबकि उसकी आँखें जो है पीछे जो भी ट्रेवल करके आई हुई थी उसको देख रही थी। अप द रोड, ठीक है, रोड को देख रही थी। व्हाट आई सॉ मेड मी ड्रॉप द कप, और इसी दौरान जो है जो कप था जिसमें पानी लिए थे वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। वाटर स्पिल इनटू ऑन माय जींस, और जो पानी था उसके जींस के यानी कि जो कपड़ा पहनी थी उसके जींस के ऊपर वो गिर गया था। एंड द मैटिंग ऑफ द कार, ठीक है, और मैटिंग ऑफ द कार, मैटिंग मतलब होता है वो भी जो कार के ऊपर जो चटाई थी उस पर वो बिखर गया था, ठीक है। पूजा स्कॉल्डेड माई मदर, पूजा ने जो है डांटते हुए क्या नाम है उसकी मदर ने डांटते हुए कहा, पूजा इडियट, ग्रांटेड माई ब्रदर, और उसके जो भाई थे वो भी जो है उसी समय गुर्राते हुए कहता है कि इडियट मतलब कि मूर्ख। आई कंटिन्यू टू स्टे।